नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि फ़ोटो के साइज़ को रिसाइज़ कैसे करें इन सेंटीमीटर। कई लोगों के मेरे वीडियोस में कमेंट्स आते हैं कि सर फ़ोटो के साइज़ को हम रिसाइज़ करें कैसे करें सेंटीमीटर में, वो भी जो क्योंकि सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है। वैसे इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आज मैं इस वीडियो में दिखाऊँगा आपको कि आप किसी भी फ़ोटो को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो में पूरा बने रहिए लास्ट तक और देखते रहिए हमारे इस वीडियो को। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इस रेड बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे हम जो भी नए वीडियोस अपलोड करते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों वीडियो पसंद आने पर आप उसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। वेलकम ऑन नियो वर्ल्ड द नेक्स्ट वर्ल्ड। हेलो दोस्तों, दोस्तों सबसे पहले आप फ़ोटोशॉप पे जाएं, वहाँ पर आप अपनी एक फ़ोटो को सिलेक्ट करें और वहाँ पर एक फ़ोटो लें। और यहाँ पर एक फ़ोटो लेने के बाद में आपको आप पहले इसकी प्रॉपर्टी देख लीजिए कि प्रॉपर्टी क्या है। इसकी प्रॉपर्टी आप यहाँ चेक कर सकते हैं, इसका साइज़ जो बता रहा है ये 56.8 KB का, और इसकी हाइट और विड्थ ये चेक कर लीजिए और सेंटीमीटर चेक कर सकते हैं आप। सबसे पहले आपको करना क्या है, फ़ोटो की इस पे फ़ोटो पे जाएं, यहाँ पर राइट क्लिक करें, इमेज साइज़ में जाएं और यहाँ पर इंचेज में लिखा हुआ है, आप इसको सेंटीमीटर में चेक कर लीजिए। सेंटीमीटर पे आप यहाँ पर चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये 15.98 है और यहाँ पर 20 सेंटीमीटर शो कर रहा है। अब आपको इसको अगर कन्वर्ट करना है, जैसे आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं कि इसकी जो विड्थ है ये रखना चाहते हैं आप 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आप 8 कर दीजिए। उसके बाद में आप यहाँ पर रखना चाहते हैं इसको 10, तो यहाँ 10 कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, आप इसको करने के बाद में आपको सिर्फ करना है ओके। ओके करने के बाद में ये फ़ोटो रिसाइज हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इस फ़ोटो को रिसाइज कर सकते हैं सेंटीमीटर में। इसे आप दोबारा से चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको चेक कर ऐसे कर ओके करने के बाद में आप इसे सेव कर दीजिए। ये सेव कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब आप जाएंगे यहाँ पर और चेक करेंगे फ़ोटो का साइज़, यहाँ पर हो गया है 45.5। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आपको आपको सिग्नेचर सेट करने हैं। इसको फ़ोटो को आप बंद कर दीजिए यहाँ से और इस सिग्नेचर को आप उठा के यहाँ डाल दीजिए। अब यहाँ पर सिग्नेचर के साइज़ को रिसाइज करने के लिए आपको यहाँ पर माउस से राइट क्लिक करना है, इमेज पे जाएं। इमेज पे जाने के बाद में यहाँ पर इंचेस में लिखा हुआ है, आप इसको यहाँ पर सेंटीमीटर में सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आपको करना क्या है, अगर आप जैसे कि 5 सेंटीमीटर विड्थ करना चाहते हैं तो 5 कर दीजिए, यहाँ पर आपको 3 करना है तो 3 कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप इसको रिसाइज कर सकते हैं। यहाँ पर ओके कर देंगे और ओके करने के बाद में आपको सिर्फ इसे सेव करना है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप इसकी प्रॉपर्टी भी आप चेक करेंगे तो इसकी प्रॉपर्टी भी कम हो गई है और इसका साइज़ भी कम हो गया है। इस तरीके से आप जो भी ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, जो भी फॉर्म में भरते हैं उसके लिए आप इस तरीके से आप फ़ोटो को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं और आप अपलोड कर सकते हैं इजी वे में। तो फोटोशॉप से आप कन्वर्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।